बाकी कुछ लोग साइलेंट हैं, सारे लोग एक साथ बोलेंगे तो ताकत नजर आएगी संगठन की। युवजन समाज जिंदाबाद, युवजन समाज जिंदाबाद। जय भीम साथियों, 38वें स्थापना दिवस पर संपूर्ण भारतवर्ष से पधारे सभी साथियों को मेरा जय भीम। मंचासीन राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारीगण, विभिन्न प्रदेशों के प्रदेशाध्यक्ष, राजस्थान के हमारे नेतृत्वकर्ता माननीय प्रदेशाध्यक्ष साहब और कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी और सभी राज्यों से पधारे सभी प्रतिनिधि और कार्यकर्ताओं का तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन। संगठन के 38वें स्थापना दिवस पर आयोजित इस प्रतिनिधि सम्मेलन एवं मनुस्मृति दहन में आज बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे ऐसे संगठन में 38वें स्थापना दिवस पर बोलने का अवसर मिला है जिससे मैं खुद 3 वर्ष छोटा हूं। इस संगठन की स्थापना मेरे जन्म के 3 वर्ष पहले हुई थी और आज ये पूरे राज्य में फलीभूत हो रहा है, भली भांति आगे बढ़ रहा है। किंतु ये बड़ी विडंबना के साथ कहा जा रहा है कि आज भी हम मनु द्वारा बनाए हुए संविधान के कारण खुद को विकसित नहीं कर पा रहे हैं। भारत में आजादी के समय अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी गई तो कई सारे आंदोलन चलाए गए जिनमें से भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा और न जाने कितने चोरा चोरी कांड और न जाने कितने आंदोलन चले और उसमें हमारी दलितों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही साथियों। किंतु आजाद होने के बाद आज हमारा अनुसूचित जाति वर्ग पूरे भारतवर्ष में आजादी महसूस नहीं करता है, आज भी हमें गुलामी महसूस होती है, आज भी हमारा विकास हमसे कोसों दूर है। साथियों, जिस तरह आजादी की लड़ाई लड़ी गई, हमें फिर से इस आजादी की जंग को आगे बढ़ाना चाहिए, हमें फिर से सड़कों पर उतरकर संघर्ष करना होगा, तभी हमारा अधिकार, हमारे मौलिक अधिकार जिनसे हमें वंचित किया जा रहा है, जिनसे हमें दूर भगाया जा रहा है और फिर से हमें वो सदियों पुरानी गुलामी की परंपरा से जोड़ा जा रहा है, तभी हम उससे लड़कर अपने अधिकारों को प्राप्त कर पाएंगे। बहुत सारे हमारे अच्छे अच्छे वक्ता, प्रबुद्ध जन यहाँ विद्वान विराजमान है, ज्यादा समय नहीं लूंगा। ये क्रांति दोबारा से हमें लानी पड़ेगी, इस चिंगारी को बारूद बनाना पड़ेगा साथियों, तभी हमारे देश में, हमारे मूल निवासियों के इस देश में हमें अधिकार प्राप्त होंगे। आप सब मिलकर इस लड़ाई को मजबूत करें, इस लड़ाई में साथ दें और हम एक श्रेष्ठ भारत, एक समान भारत, एक शिक्षित भारत और एक विकसित समाज का निर्माण करें। इसी के साथ मैं अपना उद्बोधन समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय भारत।